हेलो गाइस यार, आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू G5 के वीडियो में। एंड गाइस यार देखो, अवेंजर्स लोग आए हैं भाई मुझे बर्गर खिलाने के लिए। अरे शुक्रिया अवेंजर्स लोग मुझे बर्गर खिलाने के लिए। पता है गाइस यार, मेरा बर्थडे आने वाला है, इसीलिए गाइस यार अवेंजर्स लोग मुझे स्पेशल यार ट्रीटमेंट कर रहे हैं भाई, बर्गर खिला रहे, समझ रहे हो। ये सारे अवेंजर्स लोग एक रुपए ढेला नहीं निकलते इन लोगों के पॉकेट से, आज मुझे बर्गर खिलाने वाले हैं। आई लव फ्रैंकलिन, अगर तुम बर्गर खाओगे हमें तुम्हारी बर्थडे पार्टी में बुलाओगे ना? अरे क्यों नहीं बुलाएगा, जरूर बुलाएगा बर्थडे पार्टी में। फ्रैंकलिन बुलाओगे ना? और सुना है तुम बर्थडे पार्टी बहुत धूमधाम से करते हो, पूरा एकदम मस्त तरीके से केक कटिंग और रात भर पार्टी चलते रहती है। हल्क तो बर्थडे पार्टी में नाचेगा। एक सेकंड, मैंने तुम लोग को पहले इनवाइट कहाँ किया है, पहले ही आ जाओगे क्या? अरे गाइस यार, आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं अवेंजर्स लोग को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करूँ कि नहीं करूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, आप लोग जरूर आइएगा मेरे बर्थडे पार्टी में। जब मैं बर्थडे पार्टी रखूंगा तब आप लोग को जरूर बुलाऊंगा। उड़ी बाबा, फ्रैंकलिन तो हम लोग को नहीं बुलाओगे क्या? बुलाऊंगा, बट एज अ वेटर, मतलब कि वहाँ पे बर्तन धोने के लिए, कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के लिए, तभी बुलाऊंगा, देख लेना। आई लव सर जी, ये फ्रैंकलिन तो बहुत ही ज्यादा भाव खा रहा है। अरे हाँ, ये तो बहुत ज्यादा भाव खा रहा है। खा लेने दो, सबका वक्त आता है, हमारा भी वक्त आएगा तो हम भी इसी तरीके से भाव खाएंगे। अभी तो मैं भाव ही खाऊंगा, साथ में बर्गर भी खाऊंगा। अरे चाचा, बर्गर नहीं बना क्या? मेरा बर्गर जल्दी से दे दीजिए, गर्म ही करते रहेंगे क्या, बासी बर्गर खिलाते रहते हैं। हाँ बच्चे, बासी बर्गर नहीं, ताजे बर्गर है, चिंता मत करो, मिल रहा है तुम्हें। अरे गाइस यार, आधा घंटा से मैं चपड़ कर रहा हूँ, बट ये चाचा बर्गर ही नहीं दे रहा। अरे चाचा, बर्गर जल्दी दे दीजिए। आज तो बहुत ही ज्यादा भूख लग गया ये ब्लैक हल को। एक काम करता हूँ, बर्गर जाके खाता हूँ, यहाँ पे सस्ते में बहुत ही अच्छा बर्गर मिलता है। आज तो बहुत ही ज्यादा भूख लग गया, सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया। अरे ये रहा बर्गर शॉप, अरे हट जाओ सामने से, ब्लैक हल को बर्गर खाना। अरे हटो सामने से, पहले मुझे बर्गर मिलेगा। एक सेकंड, ये कौन है? एक सेकंड, ओए ब्लैक हल भाई यार, तू कैसे पहले बर्गर ले लेगा? आधा घंटा सा मैं खड़ा हूँ, पहले मुझे बर्गर मिलेगा? ओए ज्यादा दिमाग न खराब कर, मेरा दिमाग अगर हिल जाएगा तो मैं तुझे हिला दूंगा, इसीलिए मुझे चुपचाप बर्गर खाने दे छोटा आदमी। एक सेकंड, मुझे छोटा आदमी कहता है? अरे ओए काले हल्क, धब्बा है तू, धब्बा हल्क के नाम पे, चल हट जा, बर्गर खाएगा, सबसे पहले तो मैं ही बर्गर खाऊंगा। ओए ज्यादा मत बोल, अगर मेरा दिमाग सटक गया तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अच्छा जी, तो मुझे खा जाएगा? खा के दिखा, बढ़ाया मुझे खाने के लिए। ओए अब लगता है मुझे तुम्हें खाना ही पड़ेगा, रुको बताता हूँ। आई लव फ्रैंकलिन से मत लड़ो, ये सच में लोगों को खा जाता है, पता नहीं है क्या तुम्हें? लगता है इसे खाने पड़ेगा, ये आओ ये लो, मैं तुझे खा जाता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी था, यम यम यम, मजे आ गया खा करके। आई लव सर जी, उसे देखिए, ये तो फ्रैंकलिन को खा गया, अब हम लोग क्या करें? ओ नो, इसने तो सच में फ्रैंकलिन को खा लिया, मैंने सोचा नहीं था, ये तो सच में खा गया। उड़ी बाबा, ब्लैक हल को देखो, उसे क्या हो रहा है? ओए ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ चल रहा है, ये फ्रैंकलिन को खा करके मैंने बहुत ही बुरा काम किया, ये फ्रैंकलिन अंदर जाके क्या कर रहा है? आइला दोस्तों, लगता है फ्रैंकलिन मरा नहीं है, वो ब्लैक हल के अंदर अभी भी जिंदा है। फ्रैंकलिन बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, जल्दी बाहर आ जाओ। अरे ये ऐसे बाहर नहीं आ सकता फ्रैंकलिन, जरा देखते हैं ब्लैक हल के अंदर चल क्या रहा है, फ्रैंकलिन उसके अंदर कर क्या रहा है। अरे हाँ चलो चलो, देखते हैं इसके अंदर हो क्या रहा है और फ्रैंकलिन कर क्या रहा है। एक सेकंड गाइस यार, ये चल क्या रहा है भाई, मेरे को ब्लैक हल खा गया। और एक सेकंड, ये कौन सी दुनिया है, मैं आ जा रहा हूँ। एक सेकंड, लगता है गाइस यार मैं तो ब्लैक हल के अंदर आ चुका हूँ, ये ब्लैक हल के अंदर की दुनिया है। ओ नो गाइस यार, ये तो मैं गंदा फंस गया, कस के लगा मुझे चोट। गाइस यार ये पता नहीं कौन सा दुनिया है, बट एक सेकंड, यहाँ पे तो कोई भी लोग नहीं है, मुझे यहाँ पे मदद चाहिए, मुझे ब्लैक हल की दुनिया से बाहर निकलना है। ये जरूर यार ब्लैक हल का दिमाग होगा, इतना बड़ा दुनिया ब्लैक हल के दिमाग के अंदर। सच में गाइस यार, अब इस जगह से बाहर कैसे निकले, मुझे तो यहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। एक काम करता हूँ, आसपास देखता हूँ, कोई ना कोई मुझे जरूर मिल जाएगा जिससे यार मैं मदद ले पाऊंगा, कोई है क्या? एक सेकंड गाइस यार, वहाँ पे लगता है मुझे कोई लोग दिख रहे हैं, चलो जाता हूँ जल्दी से देखता हूँ वो लोग कौन है। अरे यार भाई, तुम लोग मेरी मदद करो, मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। एक सेकंड, ये सारे लोग तो रेड हल्क हैं और रेड हल्क तो बहुत बुरे होते हैं गाइस। फ्रैंकलिन एक वायरस है, हम लोगों को ये वायरस को बाहर निकालना है, सब लोग मिल करके इसे पकड़ो। टाइम प्लीज, लगता है गाइस यार ये लोग मुझे पकड़ के मारने वाले हैं, ये लोग को लगता है मैं वायरस हूँ। अरे मैं वायरस नहीं हूँ, मैं खुद यहाँ से भागना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। एक सेकंड, वहाँ पे तो एक गाड़ी है, फाइनली गाइस यार काम कर दो, गाड़ी में बैठ जाता हूँ, ये ज्यादा सेफ
सेफ रहेगा मेरे लिए। और एक काम कर दो, ये सारे लोगों को ये कार है ना, इससे भाई मैं ठोक डालता हूँ। अब देखो गाइजर ये मैं क्या करता हूँ, ये सारे हल्क को मैं इससे ठोक दूंगा। 1 2 3 ये लो। ओ नो गाइजर, इतने सारे हल्क, मुझे लगा नहीं था इतने सारे हल्क होंगे। ओ नो यार, अब ये लोग सब मिलकर के मुझे पीटने वाले। उससे पहले गाइजर मैं ये लोग को खत्म कर दूं। फाइनली गाइजर मैंने भाई बहुत लोगों को गिरा दिया है, अब यार सब लोगों को गिराना बाकी है। इतने सारे लोग, ओ माय गॉड, ये लोग तो मिटने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। इतने सारे रेड हल्क हर जगह, देखो वहाँ पे रेड हल्क ही रेड हल्क है। ये सबको तो मैं खत्म कर करूंगा। ये लो मुझे मारोगे, उससे पहले मैं तुम्ही लोगों को मार दूंगा। ये लो, कैसा लगा, मजा आया? ये लो भाई, यार ये लोग को मारने में तो बहुत ही मजा आ रहा है। ओ नो गाइजर, ये लोग तो मेरे पीछे पड़ गए। देख रहे हो गाइजर, ये लोग मेरे पीछे पीछे भाग रहे। अब गाइजर मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, तो वरना सब मिलकर के मुझे ही मारने लगेंगे। ओके गाइजर, फाइनली यार मेरा जान छूटा रेड हल्क से। लेकिन यार जो भी बोलो, ये जो मॉन्स्टर कार है ना, ये बहुत ही कमाल की है। ब्लैक हल्क की दुनिया में ये मॉन्स्टर कार मेरा जान बचाने के लिए, भाई इसका बहुत ही हाथ है। अगर ये ना होता तो पक्का यार रेड हल्क मुझे मार ही डालता। एक सेकंड गाइजर, ये रेड कलर की गाड़ी में कौन है? मैं हूँ यहाँ का सोल्जर हल्क, और मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा वायरस। तुम समझते क्या अपने आप को? मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। ये लो, पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें पटक पटक के मारूंगा, चिंता मत करो, मैं यहाँ का वॉरियर हल्क हूँ। ओ नो गाइजर, ये तो बहुत ही तगड़ा दिख रहा है, रेड हल्क से भी ज्यादा तगड़ा। अब आने वाला है मजा। ओ नो गाइजर, यहाँ से भागना पड़ेगा, ये तो मुझे पक्का मारेगा। भागते कहाँ हो, रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। भागते रहो, मैं तुम्हें कैसे भी पकड़ के रहूंगा। भागते कहाँ हो, मैं तुम्हें कैसे भी पकड़ ही लूंगा। ये लो, कहाँ जाते हो? अरे गाइजर भागो भागो, ये तो मुझे पकड़ के ही रहेगा। इधर आ जाओ। फाइनली मैंने इसे उठा लिया। ओ नो गाइजर, इसने तो पक्का मेरा गाड़ी उठा लिया, अब मैं क्या करूँ? तुम्हें कुछ करना नहीं होगा, मैं ही कर दूंगा। मैं तुम्हें देखो ये दुनिया से बाहर फेंक दूंगा, पानी में। अरे यार मुझे पानी में मत फेंको, मैं तो मर जाऊंगा। नहीं, तुम्हें मैं बाहर फेंक के रहूंगा। ये लो, अब तुम खत्म हो जाओगे। ये लो, फाइनली वायरस चला गया। गाइजर इस जगह में आकर के तो मैं पूरे तरीके से पछता ही रहा हूँ। जिसको देखो वो आकर के मुझे मार के चला जा रहा है। यार ये कैसी दुनिया है भाई, ये यार ब्लैक हल्क की बहुत ही खराब सी दुनिया है। सब लोग यहाँ पे मुझे मारने के लिए तुला हुआ है। मुझे इसे बचाना होगा किसी भी कीमत पे। एक सेकंड, अब ये कौन सा नया हल्क आ गया, ये भी मुझे मारेगा क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं, मैं इस जगह से तुम्हें बाहर निकालने आया हूँ। मैं तो अच्छा ब्लू हल्क हूँ। अच्छा अब ब्लू हल्क है, आप मुझे इस जगह से बाहर निकाल पाएंगे क्या? बेशक, कोई शक है क्या तुम्हें? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई शक नहीं है, प्लीज मुझे इस जगह से बाहर निकाल दीजिए। जब से मैं ये ब्लैक हल्क की दुनिया में आया हूँ ना, सब से यार सब लोग मेरी धुलाई कर रहे हैं। कोई आके मेरी गाड़ी को तोड़ दे रहा है, कोई आके मुझे समुद्र में फेंक दे रहा है, ये बहुत ही खराब हो रहा है। आप प्लीज बताइए कि मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूं? बस उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें लैबोरेटरी जा करके एक बहुत ही खतरनाक पावर सोर्स को लेना होगा। अच्छा, वो पावर सोर्स को लेने के बाद क्या होगा? तुम बहुत ही शक्तिशाली हो जाओगे, उसके बाद तुम ये दुनिया से बाहर निकल पाओगे। ओ भाई साहब, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ लैबोरेटरी के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओए रुक जाओ, एक सेकंड, अभी नहीं क्या चाहिए, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। मैं तुम्हें पैसे के लिए नहीं बोल रहा, लैबोरेटरी पैदल जाओगे क्या? मेरी गाड़ी ले जाओ। ओके, शुक्रिया शुक्रिया आपका, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। गाइस देख रहे हो कितने अच्छे हैं, मुझे अपनी गाड़ी भी दे दिए, शुक्रिया आपका। मैं जल्दी से लैबोरेटरी जाकर के इस दुनिया से बाहर निकलता हूँ। मायर देख रहे हो, मतलब कि गाइस यार ये ब्लैक हल्क की दुनिया में भी इतने अच्छे हल्क भी होते हैं, मुझे पता नहीं था गाइस यार। मतलब कि इससे समझ में आता है लोग यार दो तरीके के होते हैं, एक बहुत ही बुरे और एक बहुत ही अच्छे। फाइनली गाइस यार मुझे एक अच्छा हल्क मिल गया है, जिसने भाई मेरा बहुत मदद किया। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से लैबोरेटरी जाता हूँ, और वहाँ जाने के बाद यार भाई वो जल्दी से वो पावर सोर्स को ले लेता हूँ। ओके तो यार मैं फाइनली लैबोरेटरी आ गया। एक सेकंड भाई, इसका गेट में एंट्रेंस में तो ये है, ये मुझे कतई अंदर नहीं जाने देगा, ये मुझे पटक पटक के मारेगा। इसको रोकने के लिए गाइजर मुझे इसे बेहोश करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड गाइजर बेहोशी के लिए मेरे पास एक खतरनाक सी गन है, शायद यार इससे ये बेहोश हो जाए। इतना बड़ा ये हल्क है, इसे बेहोश करना तो नामुमकिन है, बट ट्राई करते हैं। एक सेकंड, ओह माय गॉड, ये गन तो कमाल की है। देखा, एक झटके में गाइजर हम लोग ने इसे गिरा दिया जमीन के अंदर। और देखो यार
क्या ही हालत हो चुकी है इसकी, क्योंकि यार ये पावरफुल गन है ना, ये छोटी है बट है बहुत ही ताकतवर गन। चलो एक काम करते हैं, अंदर जाते हैं। ये हल्क दोबारा आ गया, मुझे छोड़ेगा नहीं। उससे पहले जल्दी यहाँ से पावर सोर्स लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। गाइजर जल्दी पावर सोर्स है कहाँ पे? लगता है गाइजर छत के ऊपर मुझे चढ़ना पड़ेगा, लगता है वहीं पे होगा पावर सोर्स। रुक जा पावर सोर्स, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। गाइजर मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो वरना यार इतने सारे हल्क मिल करके मुझे तो पक्का ही मार देंगे। भाई कहाँ पे है पावर सोर्स, कहाँ पे है? एक सेकेंड, वहाँ पे तो कुछ रोशनी जल रही है। लगता है गाइजर वही है पावर सोर्स। फाइनली गाइजर मिल गया, देख रहे हो वहाँ पे कुछ रोशनी जल रही है और है भी गाइजर इतना खतरनाक सी जगह पे। चलो जल्दी जाता हूँ और वो पावर सोर्स को ले लेता हूँ। अब यार ये पावर सोर्स मेरी होने वाली है, चलो जल्दी चलो, ये पावर सोर्स अब ये तो मेरी है। एक सेकेंड, ये पावर सोर्स लेने के बाद ये मैं क्या बन गया? ओह माय गॉड, मैं तो आयरन मैन हल्क बन गया हूँ। ये तो बहुत ही खतरनाक है गाइस यार, इसी से शायद मैं बाहर निकल सकता हूँ, मतलब कि ये ब्लैक हल्क की दुनिया से बाहर जा सकता हूँ। वाह भाई वाह, क्या ही कमाल की चीज आ गई है मेरे हाथों में। मैं तो गाइस यार बहुत ही खतरनाक पावरफुल बन चुका हूँ, अब आने वाला बहुत ही मजा। एक सेकंड गाइस यार, यहाँ पे देखो कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है, पूरी पूरी हल्क की आर्मी आ चुकी है मुझे रोकने के लिए। ओह नो गाइस यार, ये लोग तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। फ्रैंकलिन अभी भी रुक जाओ, वक्त है तो हम लोग सब मिलकर के तुम्हें मार देंगे। मुझे एक कसम, इसे छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे। ये वायरस है, इसे हम लोग मिटा के रहेंगे। ओह नो गाइस यार, ये लोग तो मुझे सच में खत्म ही कर देंगे। ये लोग मुझे खत्म कर रहे, उससे पहले मैं ही खत्म कर देता हूँ। ये ले भाई, एक एक करके मारूंगा ना ऐसा कि भाई तुम लोग एकदम हवा मुड़ जाओगे। ये ले भाई, मुझे कमजोर समझा क्या? मैंने यार सबसे खतरनाक पावर सोर्स ले लिया। ये ले, सबको मार दूंगा। ये ले, मर जा। गाइस देख रहे हो मेरी पावर क्या ही खतरनाक हो चुकी है, और तू सुखा मुक्का हल, तुझे मार दूं कि रहने दूं? मार दूं कि रहने, तू जल्दी बता। अरे जल्दी बता, एक काम करता हूँ, मार ही देता हूँ। ये ले, कैसा लगा? फाइनली गाइस यार, मैंने यहाँ पे सबको खत्म कर दिया है। भाई मेरे पास आ ही चुकी है इतनी खतरनाक सी पावर। अब चलो एक काम करता हूँ, अपनी दुनिया में वापस जाता हूँ। ओके गाइस यार, मैं फाइनली वापस आ गया। देखो मैं ब्लैक हल के अंदर से वापस आ गया। आई लव फ्रैंकलिन, फाइनली तुम आ गए। बट एक सेकेंड, ये क्या है? अरे ये आयरन मैन हल्क सूट है, इसी की वजह से तो मैं बाहर आया, तो वरना मैं आ ही नहीं पाता। अच्छा वो तुम आ गए, हमें लगा कि तुम मर गए फ्रैंकलिन। ना जी ना, बर्गर खाए बिना कैसे मरूंगा? मरना तो इसे पड़ेगा, इसने मुझे बहुत ही तंग किया। ये ले मार का, पूरे तरीके से मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुम समझते क्या हो, मेरे पास बहुत ही खतरनाक पावर आ चुकी है। फाइनली गाइस यार, मैंने इसे अच्छे तरीके से सबक सिखा दिया ब्लैक हल को। एंड गाइस यार देख लो मेरे पास कितनी खतरनाक सी सूट आ चुकी है। सो गाइस यार, नीचे कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।